को समा कोसा न लागी मरियो देश राज के अलाल कर दो भूत सवार जंग को प्रीतम को जाता तो बहकाए आल है काटे काली नागिन और उदल को करिया नाग भरिया जवानी इंदल मरियो हाय मेरी जोड़ी दैया छोड़ा सारस कैसी आज जोड़ी को उदल ले जा महोबे में जाए और तब ही उदल बोलन लागे नीचिया बैठो पदविनिया नारे तुम्हिया नौखी भाई खस मिली मेरे उघर है पदविनिया नारे ताको तज के गाजर चढ़ के महिया न करी ती बिकट तलवार तंगन छूटो रस बेदुल को नए देही के खुले ते हथियार हमने गाजर सरकर डारी जे पिरथिया को देवे भजाए जाते झोंके दिए रे लाखन को नदिया बितबे के रे संग्राम और फिर रिस होए लाखन ते बोलो सुनियो मित्र कनौज राय देख महरियन को मोहे लाखन छोरे धरो रे तलवार करके दोस्ती रणबागन की आज प्राणन को करता विचार सुन के लाखन कायल हुई के तच के चले थे कनौज राय गह गह दामिन रोए रोए कामिन कह दिया छोड़े छोड़े डेडकार आज रात महल न में रह जाओ भोरे नगर महोवे जाओ करे रसोई जैमो बालम पासे खेले संग तुमार हम जीते तो जान न दिए हारे चले संग तुम्हारे दोनों बाजी अपनी राखी मेरी सुनियो पद्मिनिया नारे लाख नाखों में खून के कतरे लेकर बोला पद्मा अरे हम जीते तो अबे ही जाए हार न जावे महल तुम्हारे अरे चाहे सोने की बन आइयो अब ना रुक है कनौजिया राय अरे चाहे जगा जगरे कन बज पे तुम सी पदमा मरे हजार मित्र हमारे वो तुम कोसो मेरो भाव तो जिगर मेरे घाव और रोए रोए पद्मा बोलन लागी ऐसे कहती पद्मिनिया नारे कारी बंदरिया बहना लागे कोंदा भैया लगत हमार आज बरस जा मेरी अटिया पे साजन एक रैन रुक जाए तब लाखन हंस के बोलन लागे गोरी धन सुन ले अर्ज हमार कारी बदरिया सारी लागे कोंदा सालो लगत हमार कब हुन बरसे तेरी अटिया पे लाखन नगर महोबे में जाए भोर भोरारे के रमना में बजे बितबे पैर तलवारे
से क्या है। अरे हिलकिया भर के राम शरण जिया, तब पद्मा ते कही सुनाए। नदिया को रे तैयार, अरे कल्लू वीर नया जो ढोलक पे अब के लीजे जलाज बचाए। ऐ बसीर भैया की रे दम कहवा, तोरा बंदा होते तलवार। एक बहादुर की अका बिनती, लाखन शेर होवे तैयार। अभिलाख भैया की जय अभिलाख, सुरजन पूरी यदि कराए। मेरे नौजवान साथियों, इधर जिस वक्त लाखन पद्मा के आंगन से निकले हैं और उदल को साथ में लेकर जिस वक्त नदी भेतवा की तरफ प्रस्थान किया, तो इनकी माँ तिलका बहुत रोई और लाखन की कलाई पकड़कर उदल के हाथ में पकड़ा दिया और जवाब दिया, उदल जिस तरह मेरे बेटे लाखन को तुम नदी के घोर संग्राम के लिए ले जा रहे हो, उसी तरह से लौटकर मेरे इस मासूम लाल को मेरी गोदी में देना। उदल ने जवाब दिया, मैया सबसे पहले आला और उदल युद्ध के मैदान में मारे जाएं, बनाफर वंश मिट जाए, उसके बाद लाखन युद्ध करने जाएं। इन शर्तों को तिलका के आगे रखने के बाद लाखन और उदल ये कन्नौज से प्रस्थान करके महोबा की तरफ चले। तो आ जाइए नौजवानों, आज फौजियां लेके जे उदल चल दे, लई महुबे की सीधा लगाए सीमा आई, जब कुड़ हर की तब जागन ने कही थी सुनाए। जागन को जब याद आई कि बोना चोर ने मेरे कोड़ा को चुरा लिया, आंखों में आंसू लेकर मामा को जवाब दिया, आज हिलकिया लेके जो रोबन लागे, मामा तुमको देवे बताए, कोड़ा चुराए लौर बोना ने कुड़हर आगे देव लगवाए। जा सुन पाई तिरन बंका ने, कुड़हर घेर लई ती भैराए, बोना वाली बानगरिया में आगी उदल दई ती लगाए। हाथ जोड़ किया कोड़ा लेके, बोना पैया पर तो अंगार, माफिया दे दे ओ सहजादे, बोना चलिए संग तुम्हारे। सेना संग समुदाय, अरे घाट काल पिया पैर आए हैं, डेरा उदल दैत लगाए। सिंगा ठाकुर परहुल बालो जो है मामा कनौजिया राय, आधी रात के अध खंडा पे रोए रोए लाखन ते कही थी सुनाए। और तेरे जीव
रहा हमेशा मेरी धधक तू है तुम कल पिया को ले वो लुटाए कन बजकिया जुझे फौज लूटत शेर काल पिया क्या रे नौजवान साथियों जिस वक्त कन्नौज के जवानों ने कालपी को लूटा है कालपी की सब रैयत रोती हुई उदल के पास पहुंची और चरणों में सर झुकाकर क्या बोली कुंवर साहब अरे दुख टारने आए तो महुबे को दुख में अब दुख दो तो सरकार और सर काल पियला घन राना याद ही रात पहले ही लुटवाए जा सुन पाई तेरा न पंका ने धधका लगता कलेजा जाए घोड़ा बेंदुला पे उदलिए तब लाखन ते कई सुनाए और अच्छे हमको तुम संग लाए अब तरैयत दैय उजार और कौन हौसला में भूले और सबरिया दिए ठसक निकारे और जागत देखी है सैयद ने तब लाखन ते कही सुनाए हम नालायक तुम सब नायक ओ महाराज कनौजी राय और दुख तारन आए महुबे को दुख में दुख दो सरकार गाजा कहिए परमाले जब मन में पिछले ओ तलवार के बोले बे उदल से सुनियो पूत दे वाला प्यार हरदम भूत चढ़ो राढ़े को तुमको रहत लहर बा भाई ऊंच नीच को तू ना देखे लाखन सो दई रार मचाए और दोनों जानन ने मोहरा पे अपनी म्यान करिए तलवार आधी रात के अध खंडा पे सपनों बहुत देवला माए एक देवे लौटी जाओ कनवज को नाई खैर महो बेगम और अलफ भयानक है उदल की नदिया बितबे के मैदान राम सरणी जिस वक्त मैया देवे ने यह स्वप्न देखा उदल को अपनी गोद में बैठा कर फपक फपक कर रोने लगी और रोकर क्या बोली उदल और बेटा लौट चलो कन बज को ना ये खैर महो बेगाम और चूके अल्प कल्प भर जीवो बेटा मानो कई हमारे खून का गद्रा लेकर उदल बोला माँ हम है बेटा दस राज के नामी वंश चमेले राय जाने जन्म लो दुनिया में मर के स्वर्ग धाम में जाए बीत गई है झावर में भोरे कूच दो करवाए और नदिया बितबे किया डांगन में आयो बंस बना फरलाल और
घाट बयालीस बामन घाटी घेरा पड़ो तो धनी चौहान नदी बेत बाकी रेती में डेरा लाखन दए लगाए और रेन बीत गई फिर झावर में भोरे जगत कनौजी लाए बारे लांगुरिया बारे लांगुरिया भोर लड़ाई देखो अब हुई है बजिए नदिया पे तलवार बारे लांगुरिया आज लड़ाई के सी हुई है बजिए नदिया पे तलवार बारे लांगुरिया मेरे नौजवान साथियों इधर जैसे ही युद्ध के मैदान के लिए वनाफरों ने और कन्नौज वाले लाखन ने डेरा लगाए हैं सुबह जैसे ही भगवान भास्कर ने पूरब में अपनी आंखें खोली हैं और ये सभी लोग डेरों में बैठ जाते हैं और युद्ध की भूमिका बनाने लगे कि आखिर पृथ्वीराज से युद्ध किस तरह किया जाए। सभी लोगों ने विचार विमर्श करने के बाद पृथ्वीराज के लिए खत लिखा और खुले शब्दों में लिख दिया कि जितने जबान दिल्ली से आए हैं या तो नदी बेतबा के जितनी घाट और घाटियां घिनी खाली कर दें और नहीं तो युद्ध के मैदान में उतर आए। मेरे नौजवानों ये खत जब पृथ्वीराज के डेरों में पहुंचा चौहान की धमनियों का गरम गरम लहू उबल पड़ा। युद्ध के मैदान के लिए पृथ्वीराज ने अपने वीरा को डलवा दिया। अब हुआ क्या आज पाती बाची जब आल्हा की बीरा डाली दौर चौहान आए गए लड़का दिबला वाले बज है नदिया पे जखीर पानी और पान छबाबे जो नदिया पे और सो यही तू है हमारो यार मोन फैल गई है दंगल में न बीरा पे परत निगाए और पृथ्वी राज दंगल में अगर जाए तब तहर ने कही थी सुनाए कितने आए हैं दिल्ली से कहिजड़ा वंश धनिया चौहान और चोरा ब्राह्मण उठ ठाड़ो भो हसबीरा को लो तो उठाए झपट गिता हर गए छोड़ाते और पीरा को लो तो छिनाए और हम जावेंगे बाप तबे पे करहे डट डट गेरे तलवार और फौजे सज गई पृथ्वीराज की ताहर घोड़ा लो सजबाए आए गया जज बाबित बेटे और जापाती लिखी बनाए स्वस्ति श्री आला को लिख दई पाती लिखत धनी चौहान जितने आए हैं कन बजते एक ही संग कहे कृपान आए गो लड़का पृथ्वी राज को दिल के मेट ले अरमान
थना को खा रे और बीरा लेके नुनिया लाने और डेरन में दो तो धरवा रे फौज सजाए और परोसना को सब दंगल में ऐठा पर तू पेट में जाए और कोई कोई चल दे जंगल झाड़े कोई कोई भूम में करो दन लारे पांच परी बीरा को हुई गई बापू अपान गो को मिला मेरे नौजवान साथियों, इधर जैसे ही कन्नौज के सम्राट लाखन अपने जबानों को लेकर नदी बेतवा के घोर संग्राम में जिस वक्त आए हैं, अरे नौजवानों, जिस वक्त चौहान और लाखन का मोर्चा लगा है, आकाश में बादल धड़कने लगे, बहादुरों की धमनियों का गरम गरम लहू उबल पड़ा, और क्या हुआ?
आज लगो है मोर चाबार नदिया पे ताहर घोड़ा दो तो बड़ा लाखन राना की हथनी ढंग अपनो बाज लगाओ तो जाए हंस के ताहर बोलन लागे सुनियो अखुअर कनौजिया राय संग गुलामन के तुम आए शर्मन आई कनौजिया राय और तब ही लाखन बोलन लागे ताहर तुमको देवे बताए गुलाम आला हम भय गुलमा जो हम करी थी दोस्ती आए गुलाम गुलमा तुम भय तिलमा ब्याही बहन गुलाम न जाए अब ताहर का मोय देख तो न्याल से खेचे ले वो तलवार होबे इरादा करन को हंस के खेलो समराया घाए सूखिया गई है कलेजा में पार जरकिया हुक्म दो तो ताहर ने फौज आ गया दई ती बड़ाए एक ओर से दहलिया बाले एक ओर डटे हैं कनौजिया राय नदिया टांगन में धार से धार मिली रे तलवार कटकट छोना रजपूतन के गिर रहे नदिया के रे मैदान बहादुर उड़ी उड़ी जूझे कायर भाजत पीठ दिखाए और जागत देखी हर ताहर ने भज रहे दहलिया के रे सरदार और जाय के बोले दे तबला खन दे सुनियो कुंवर कनौजिया राय अरे दुई दुई रुपया के नौकर हैं नाहक डरे हैं जे मूड़ कटाए और हम तुम खेले रन खेतन में देखे किन पैरा मरसाए जामन बाए गई लाखन के भूरी हथिया दई बड़ाए छोट अपनिया पहले कर ले ये रीत महो और ताहर भाला जब अरे लेके और लाखन पे दो तो चलाए अब तो भाला लाला देखो हकनी गई थी घोटेला खाए ठरती भाला गिरो तो जमी पे ताहर कर मल मल पछताए जितनी मारे अती ताहर की काटी चुंगर कनौजी राय मलिक बैठो अब ताहर जी सहियो चोट कनौजिया राय एकदम पाण सरासन लेके और ताहर पे दो तो चलाए घोड़ा भज गौ रन खेतन ते फौजी भज पीछे को जाए लाखन राना ने हंस
के तब डंका एक कदम दौ तो बजाए एक हरकारा भाजत आवे गई पिरखिया को खबर सुनाए फौज भाज गई ताहर की छत्री और देव पठबाए और नेक सुलड़का रती मान को जाने करे गजब के ठाट तोलो ताहर गए तमुअन में तजबीर थिये ने कही सुनाए नाहक बंसल जाओ मेरो दई अगमा की अको खिल जाए लखियो उन लाखन को दिल्ली लाख कोस हुई जाए हंस के चोड़ा बोलन लागो अपनी फौज रहो सजाए और 3 लाख पे पाखर बर गई छोड़ा फौज दई चढ़ाए और नदिया बितबे की सब डांगे धार से धार मिले तलवार मेरे नौजवान साथियों जिस वक्त चोड़ा युद्ध के मैदान में फौज सजा कर लाया लाखन की नजर जैसे ही चोड़ा के ऊपर पड़ी एकदम मुस्करा कर बोला कहो ब्राह्मण देवता ब्राह्मण देवता कब कब से युद्ध करने के योग्य हो गए ओ राठौर ठौर बतलइयो लाखन मंद मंद मुसे क्या और चोड़ा बोले तब लाखन ते सुनियो आज कनौजी राय के बज जाइयो रन खेतन ते के तुम दीजो शीस गहाय दाती को पीस कर लाखन ने जवाब दिया ओ चोड़ा बहादुर युद्ध के मैदान में कभी गाल नहीं बजाता अपनी धमनियों का अपनी माँ के दूध का पौरुष का परिचय देता है अरे भैया ए दाती पीस गए आज चोरा ने दो फौजन में हुक्म सुनाए भाजी न पावे लाखन राना जाको मुड़ ले कटवाए सगी सलामी चौहान की बाजे घूम घूम तलवार नदिया बितवे किए डांगन में धार से धार मिलिए तलवार ये हुक्म दो लाखन ने खेचो म्यानन से तलवार चुरी साहिबी आज नदिया में बज रही घूम घूम तलवार खेतन ते तैया चाल रहो दिखलाए जागत देखी जब चोड़ा ने भज रहे सूरत नौ जियलाए लाख राना खाती बठाड़े हुई ने ऐसे कही सुनाए जो भज्जा वो रन खेतन ते तो का जियो पर सहजार का चले लेके मर जयो पयो स्वर्ग लोक में ठोर और तो खकी पानी ऐसी सानी लौटे सूरया जो हर साए ले कैया कन बजवाले ले तलवार दिल्ली वाली उन फौजन में चूची बजन लगी तलवार और पाए उखड़ गए दहली बाल लगे जे भाजत पीछ दिखाए और चोड़ा भाज गो दंगल ते फौजे भाजी धनी चौहान जागते रखने राना हंस के ऐसे आ
साथियों, इधर तो नदी बेतबागी घाटियों में घमासान युद्ध चल रहा है। लाखन और चौहान वंश के बीच बहादुरों की धमनियों का गरम गरम लहू बल रहा है। इधर जरा कन्नौज की दशा बताऊं। कन्नौज में पद्मा सुख की नींद अट्टा में सो रही है और स्वप्न में क्या देखती है राम शरण जी? आज सोबत पद्मा है सिजिया पे, निज अटिया पे पांव पसार, और रंग रंगीली छेल छबीली, रंग रंग चुए पद्मिनी नार। और सपनों देखो रानी पद्मा ने, ओ सपनों देखो रानी पद्मा ने, हिल मिल सोए भुजा पसारे, और आए लाखन है नदिया ते, गले में गल बहिया लई डार, हिल की भर के पद्मा रोई, परम सनेई पिया हमार। छोड़ गए पद्मा को, अरे बिलकत छोड़ गए पद्मा को, पहुंचे नदिया के मैदान। हम किनके जियरा में जीव डरती, कैसे लेती प्राण बचाए, हंस के लाखन बोलन लागे और सपने में कही सुनाए, तेरी आज्ञा से महारानी लौट के आए पमर द्वार। स्वप्न में क्या देख रही है पद्मा? देख रही सपनों पद्मा, सपने अपनी सज से जग छाई, देखती है फिर आए कि लाखन बैठ गए सिजिया मुस्कियाई। अंकन शंक लगावन को पदमान दो, जब हाथ बढ़ाई, सुरजन तोलो तड़पो बदरा, खुले आँख गई पदमा घबराई। जैसे ही स्वप्न टूटा है राम शरण जी, हाय हाय, बिरहनी की आंखों में आंसू आ गए। तोरी की पोरी पे आई गई, फिर भीतर जाए के बाहर आई, तोरी की पोरी पे आई गई, फिर भीतर जाए के बाहर आई। जाय दीख पड़े न कन्नौज कहूँ, तब हाय पिया कह के घबराई। रोकर बोली अरे निदिया, असमय अनुराग की मूरत सो सनुराग के रंग बेराग भयो, न सो कहिए मन की बतिया, मन की न भई मन दाग भयो, कछु हाथ लगो हर गौ छिन में बरभाग भयो, दुर्भाग भयो, कहबे में हंसी सुनबे में हंसी, सपने में राठौर सुहाग भयो। तब तक पपिया करने जब बोलिए में, पीऊ कहाँ के दइए सुनाए, अरे जैसे सूरन के ददा दुश्मन को, बात को तीर जा पार कढ़ जाए।
कुड़िये के पापी पपिया तो समन तेरो बुरोरे हो जाए। मैं सुख सोबत आज धोरा पे सपने सोए ते कंठरे लगाए। बिजली परियो के तेरी बोली पे मोए जा प्रीतम से तो है छोड़ा। जैसे बोले के मेरे धोरा पे तैसे ही बोलो बा नदी पे जाए। काम सताई है मम सुदी आई है घरे रे कनौजी राय। चर के पपिया के बोलन लागो पदमा सांची तो दइए सुनाए। काय काय नाने के हम लाखन की ना तेरो खाओरी नाज उधार। सीन हमारो बोली बदले मेरी बा नदिया पे जावे बलाए। ज्यादा पदमा के जोरे खसमयानी तो लिख पत्र रे देवो पठवाए। गुले ललई रे पदमा ने और बापा छी पे दई रे चलाए। मर मर जाए के लगी पछी के पछी गिरो रे करोटा खाए। तड़पत देखो ददा पपिया को पदमा गोदी में लो तो उठाए। सोवत में दिए जगार पिया पिया कह के कोई अब बुली है वो पिया बोल रे सुनाइए यार। तब ही पपिया बोलन लागो पदमा सांची तो देवे बताए। अब हूँ बोली तुम सुन पछित पदमा पै होरी दुख जाय पार। पदमा बोली आखिर ऐसा क्यों अब तुम कहना क्या चाहते हो। तो पक्षी ने अपनी मरती हुई सांसों में क्या जवाब दिया। एक हम बोले पंचपटी पे रावण हरी रे जानकी नार। करि हरि को परे चढ़े लंका पे मिटियो बंसरे निसाचर प्यार। तू जे बोले ते सिर सागर में लीने प्राण रे मल्हारे प्यार। अरे अब के बोले हम तेरे धोरा पे तुम हूँ पिछिया जे देवो उतार। नदिया पितबे की पदमा डांगन में रहे बिजरे कनौजिया राय। बेला भवानी केरे गोने में मारे जय है बेकंठ तुम्हार। इतनी कह के भोले पपिया ने अपनो दो तो जो प्राण रे गमाए।
बिरथी नदिया पे आ गए हैं। जिस वक्त युद्ध के मैदान से चोड़ा अपनी फौजों को लेकर भागकर पृथ्वीराज चौहान के डेरों में पहुंचा और खुले शब्दों में जाकर बताया कि लाखन को परास्त करना कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, चौहान की धमनियों का गरम गरम लहू उबल पड़ा और क्या किया राम शरण जी। आज पृथ्वीराज डेरन में जगर जय, आज घन गरज रह जाए ने कसोलन का रतिया भान को जान कर दे गजब के जेठान। आज 7 लाख पे पाखर पर गई सबियां चढ़े हैं कनौजिया राय, इतमे अपिरथिया डेरन सज रहे आज घन गरज गरज रह जाए।
घमासान चल रहा है। इधर लाखन को पृथ्वीराज चौहान 11 लाख फौजों के अंदर चारों तरफ से घेर लेते हैं और दशा क्या बनाई लाखन की। के बोली लागे कहूं पे काटी जाती तलवार। और 22 हाब लगे ते ही मैं तन को हो सर हो तो जाए ना। आज आए मूर छा गई लाखन को हो दम गिरत तमारो खाए। ¡Suscríbete!